हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक एसेंशियल ऑयल का रिव्यू, और ये है गुड वाइब्स का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसा है ये एसेंशियल ऑयल या क्या है इसके यूजेस, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहली बात यह है कि आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरी बात यह है कि मैंने इस प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम पहले बाय किया था, लेकिन मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, बट आज मैं फाइनली इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और तीसरी बात यह है कि इसकी जो डायरेक्ट लिंक है मैंने उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दिया है, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हों तो वहाँ से चेक जरूर कर लें। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस और इसकी पैकेजिंग की। तो ये कुछ इस तरह से आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, जिसपे प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि प्राइस, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट लिस्ट, यूज कैसे करना है और बेनिफिट। आई थिंक हाँ, बेनिफिट भी इस पर मेंशन किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इतनी छोटी सी पैकेजिंग है और सारी डिटेल्स इस पर मेंशन है। ये है इसकी इनर पैकेजिंग और सभी डिटेल्स इनर पैकेजिंग पे भी मेंशन है, आप चाहें तो इजीली चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस है 165 रुपीज़, जिसमें आपको 10 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। वैसे एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल होते हैं, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इन्हें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो प्योर होते हैं, उनमें कोई अदर इंग्रेडिएंट नहीं होता है, जैसे कि ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है तो इसमें सिर्फ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ही है, इसमें अदर कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है और ये प्योर है। तो जो प्योर प्रोडक्ट होते हैं उन्हें यूज़ करने से पहले उनका पेस्ट टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है और उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उनकी स्किन टाइप जो है वो सेंसिटिव है। किसी भी प्रोडक्ट से अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है तो कोई भी नया प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले पेस्ट टेस्ट जरूर कर लें, जिससे ये चीज़ श्योर हो जाए कि वो प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने की। अगर आपने ये प्रोडक्ट बाय किया है तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकती हैं? देखिए, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जो होता है, आप इसे नेट पे भी पढ़ सकती हैं, ये हमारे इंटरनल बॉडी के लिए ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर आपको बैड ब्रीथ है, आपके टीथ में, दांत में पेन है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर आपका स्टमक सही नहीं रहता है तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको उन सब यूजेस के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। हाँ, बैड ब्रीथ के लिए आप यूज़ कर सकती हैं कि अगर आपके मुँह से स्मेल आ रही है तो आप उसके लिए इसे पानी में, गुनगुने गर्म पानी में 1 या 2 ड्रॉप मिक्स करके यूज़ कर सकती हैं गरारा करने के लिए, जो भी करते हो आप, तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस बारे में, इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए या बॉडी के लिए। देखिए, आप इसे अपने हेयर केयर में यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही हो, आपके बाल जो हैं वो बीच में से टूट रहे हों, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हों, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप इसे अपने किसी भी हेयर ऑयल में मिक्स करके यूज़ कर सकती हैं। एक पॉइंट यहाँ पे जरूर ध्यान में रखिएगा कि किसी भी से मेरा मतलब है सरसों का तेल, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल या कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, इनमें आप इसे मिक्स करके यूज़ कर सकती हैं, ना फिर ना कि कोई स्पेसिफिक जो हेयर ऑयल आते हैं आपको उनमें यूज़ नहीं करना है। जो नॉर्मल ऑयल आते हैं आपको इसे उसमें मिक्स करके यूज़ करना है अपने बालों में, जिससे आपकी जो हेयर प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। बात कर लेते हैं फेस के लिए। तो अगर आपके फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए इसे यूज़ कर सकती हैं। आपका फेस अगर बहुत
ज़्यादा डल रहता है, तो आप उसके लिए इसे यूज़ कर सकती हैं, DIY कर सकती हैं, या फिर अपने मॉइस्चराइजर में एक छोटी सी ड्रॉप मिक्स करके यूज़ कर सकती हैं। एक बात और, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, जैसे कि भले गर्मियाँ आ गई हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की स्किन ऐसी होती है कि वो कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, उनका फेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तो आपको करना ये है कि आपको अपने रेगुलर मॉइस्चराइजर में इसकी एक ड्रॉप मिक्स करनी है और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है पैच टेस्ट करने के बाद। तो ये आपके फेस का जो मॉइस्चराइजर है उसे काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बना देता है, जिससे आपका फेस जो है वो ड्राई नहीं होगा। तो ये तो फिलहाल कुछ यूज़ करने का तरीका, बात कर लेते हैं बेनिफिट की। तो ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक बात और कि अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा हो, फिलहाल मैं ऐसा करती हूँ, तो आप थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल एक ड्रॉप ऐसे लीजिए, रब करिए और यहाँ पे आप इसे अप्लाई कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। फिलहाल मुझे मिलता है, मैं इसे यूज़ करती हूँ, तो आप भी ट्राई कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया गुड वाइब्स के रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का रिव्यू और उसके यूज़ करने का तरीका। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने कभी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ किया हो तो क्या रहा आपका रिजल्ट, वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।